পতঞ্জলির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কার্যকরণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো মালদায়। আদরণীয় মুখ্য কেন্দ্রীয় প্রভারী রাজস্বীয়র উপস্থিতি এদিন অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠক। জেলার সমস্ত যোগ শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে আয়োজন করা হয়েছিল এই বৈঠকের। নেশা এবং রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে নিয়ে প্রতিটা জেলার নিঃশুল্ক যোগ কেন্দ্র তৈরি করেন পতঞ্জলি। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আজকের এই বৈঠক। জানা গেছে মালদায় 153টি যোগ কেন্দ্র রয়েছে, আরও বাড়ানো হবে এই কেন্দ্র বলে জানান মুখ্য কেন্দ্রীয় প্রভারী রাকেশী। राज्य स्तर की बैठक आयोजित की गई जिसमें मालदा और आसपास के कई जिलों ने भाग लिया। इस बैठक में हमने तय किया है कि हमारे देश में अभी नशा मुक्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए हर जिले में निशुल्क योग प्रशिक्षण कैंप लगाए जाएंगे और हर जिले में कम से कम 200 योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां पर निशुल्क योग, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद सिखाया जाएगा और हर जिले में कम से कम 365 लोगों को तैयार करके उनको निशुल्क 100 घंटे की योग की, आयुर्वेद की, एक्यूप्रेशर की, खान पान की, घरेलू उपचार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग लेने के बाद वो 24 घंटे में से 22 घंटे अपने घर, परिवार, व्यापार, नौकरी का काम करेंगे और 2 घंटे अपने घर के आसपास किसी पार्क में, किसी गुरुद्वारे में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर खुद योग करेंगे और दूसरों को योग करवाएंगे। सर, गुरुजी की आ रहा है मतलब मालदा जिले की बड़ी इच्छा है कि पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ पर कार्यक्रम हो। उनका जो आवेदन है वो पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वीकार किया है। अभी तिथि तय नहीं हो पाई है तो पूज्य स्वामी जी महाराज का आगामी, मैं यूँ कहूँ कि जून माह से पहले मालदा जिले में आगमन होगा। उसकी तिथि जैसे ही तय होगी उसको बता दिया। मालदा जिले में जो अभी सेंटर चल रहे हैं वो 150 योग सेंटर चल रहे हैं, 150 निःशुल्क योग केंद्र चल रहे हैं हमारे मालदा जिले में। अभी जो सुबह जो योग की कक्षा में गए थे वो कौन सा? वृंदावन, वृंदावन ग्राउंड में, माट में, और जो दूसरा क्लब कौन सा था? एक एक व्यक्ति बताओ ना। फाटा केस्टो क्लब में योग की कक्षा लग रही है। वहाँ पर रोज 100 से ज़्यादा व्यक्ति आते हैं और आप अगर जाएं, मैं मीडिया के भाइयों से कहूँगा कि एक योग की कक्षा में, अभी जैसे नोबेल प्राइज़ दिया गया तो 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया। उन्होंने क्या खोज की कि हमारी बॉडी की कोशिका में ऑक्सीजन कैसे जाती है, केवल इस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। प्राणायाम से कैसे चमत्कार होता है इसका लाइव एग्जाम्पल आप चाहें तो किसी भी दिन सुबह 5:30 से 7 बजे तो दोनों स्थानों पर जाकर आप शूट कर सकते हैं। एक ही क्लास में एक ही प्रकार के प्राणायाम के करने से वहाँ पर कई लोगों का थायराइड ठीक हुआ है, किडनी स्टोन ठीक हुआ है, दमा ठीक हुआ है, अर्थराइटिस ठीक हुआ है, माइग्रेन ठीक हुआ है, साइनस ठीक हुआ है और ब्लड प्रेशर ठीक हुआ है। योग के माध्यम से, बिल्कुल योग के माध्यम से, कोई दवाई नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं। कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक चला जाए तो 7 दिन में वो पूरा सीख जाता है, कोई हिडन नहीं। और सब की बहुत से ऐसे लोग मिले, मुझे मिले, आज सुबह मेरा जाना हुआ तो जिनकी शुगर की दवाइयाँ छूट गई, जिनकी बीपी की दवाइयाँ ठीक छूट गई, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हार्ट की सर्जरी करवाई हुई थी, सर्जरी के बाद दोबारा हार्ट अटैक आने वाला था, उनको योग से बहुत बड़ा लाभ मिला। मैं चाहूँगा एक बार आप भी इन दोनों स्थानों के ऊपर कभी सुबह समय निकाल कर जाएं। नाम आपका रीजन से कहाँ से आया? राकेश कुमार, मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। मेरे साथ भाई चंद्रकांत राठौर जी जो राज्य प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, भाई श्यामलता जी जो राज्य स्तर पर सेवा दे रहे हैं, बहन पापिया जी। मालदा से सुमित घोषाल, रिपोर्ट बेंगल जी न्यूज़। कौन जाएगा?